इसका मॉरल क्या जबरदस्त है, आपने बचपन में सुना भी होगा, मॉरल है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान से उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीएचएस एकेडमी में। माय नेम इज हैरी एंड आई एम फ्रॉम हैरी सर एकेडमी। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बेसिक या तो मीडियम लेवल की इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, तो आज उनके लिए मैं एक कहानी लाया हूँ, जिस कहानी को मैं आपको हिंदी में बताऊंगा कि कैसे कैसे उस कहानी में न्यू वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे किया गया है। तो शुरू करते हैं कहानी। आपके स्क्रीन पे कहानी दिख रही होगी, यहां से मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में आपको हिंदी में कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस कैसे कैसे बनते हैं कहानी में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिएगा, कोई भी एक पास्ट की स्टोरी बताने के लिए कुछ फॉर्मूलेस की आवश्यकता होती है, कुछ फॉर्मूला चाहिए होता है। तो पास्ट में हमेशा दो या तीन फॉर्मूले चाहिए होते हैं, तो इस कहानी में जितने फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस कहानी में जब भी पास्ट की, इसी नहीं जब भी पास्ट की स्टोरी बताते हैं, तो उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी आती है। एक आता है वर्स एंड वर, देखिएगा कोशिश करेगा मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो पहला जो आता है वो आता है वर्स और या तो वर, और इसके साथ हमेशा क्या है कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी। ये आप जरा गौर से समझिएगा, वर्स या तो वर, और हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी। दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतना ये सब आपको जान लेना है, वर्ब आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, जब हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में तब्दील करते हैं तो हमें कनेक्टर की आवश्यकता होती है, तो या तो सेंटेंस दैट से जुड़ेंगे और या तो सेंटेंस जुड़ेंगे टू से। ये दो चीजों से जुड़ेंगे, या तो दैट से या तो टू से। जैसे मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जैसे दैट का एक सेंटेंस जुड़ के दिखा देते हैं। जैसे इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है, बट द व्हील्स सैंक सो डीप इन द मड। That, देखो दैट यहाँ पे कनेक्टर है, दैट नो एफर्ट्स ऑफ हिज हॉर्स कुड मूव देम। मतलब एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम क्या है इस कनेक्टर में, दैट ने। या तो दैट से कनेक्ट होगा सेंटेंस या तो टू से कनेक्ट होगा सेंटेंस। जैसे मैं टू का भी एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। देखो पहला सेंटेंस है यू कैंट या कैन या कांट, कुछ दोनों ही सही है, ठीक है ना। You can't expect Hercules, ये देखिए you can't expect Hercules or anyone else to come to your aid। देखें ये वाला टू क्या है, कनेक्टर के तौर पे यूज किया। तो वैसे ही आपको दो 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 तीन चीजें याद रखनी है, एक वर्ज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा और एक सब्जेक्ट के बाद वर्ब में सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर सेंटेंस को जोड़ना होगा तो दैट या तो टू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने कहानी की तरफ। अब हम कहानी जरा शुरू से शुरू करते हैं, कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे तो वो मैं यहां इधर साइड में लिखता रहूंगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारी कहानी शुरू होती है लॉन्ग एगो। अब एगो का मतलब होता है पहले, लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत पहले। तो लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले, वंस अ वैगनर वॉज ड्राइविंग हिज हैवी लोडेड वैगन। अब देखो आपको कहानी में थोड़ा सा डायग्राम को समझना पड़ेगा। ये जो है, ये जो हॉर्स कार्ट आपको दिख रही है, इसे हम कहते हैं वैगन। इस गाड़ी को क्या कहेंगे, वैगन। और इस गाड़ी को चलाने वाले को हम बोलेंगे वैगनर। जिस पे मैं गोला कर रहा हूं तो वो क्या है, वैगनर। वैगन को चलाने वाला वैगनर, और जिनके सामने ये झुके हैं इन्हें हम कहते हैं हरकुलस। ये गॉड का नाम है, जैसे हमारे गॉड भगवान राम श्री कृष्ण, वैसे ये ग्रीक गॉड है जिनका नाम है हरकुलस। ये जो पहिया है इसे हम कहेंगे व्हील्स। अगर ये आपने तीन चार चीजें समझ ली तो फिर आपको कहानी समझने में बड़ी आसानी होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वंस अ वैगनर, वैगनर मतलब जो यहाँ पे ये है वैगन चलाने वाला वैगनर। वंस अ वैगनर वॉज ड्राइविंग हिज हैवी लोडेड वैगन, मतलब वो एक बार की बात है। देखो मैंने आपको बताया था ना, वर्स वर्ग के साथ क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी आया है। वर्ब में आईएनजी, देखो यहाँ पे वर्स लगाया है और यहाँ पे आईएनजी आया है, तो वो एक बार की बात है। कब, ये जो वैगनर है ये अपना हैवी लोडेड वैगन चला रहे थे अलोंग अ मडी लेन, कहां पे, कीचड़ वाले रास्ते में। साथ साथ में ये अपना हैवी लोडेड वैगन को लेते हुए चल रहे थे। अब इनके साथ क्या हुआ वो स्टोरी में बता रहा है। वो ऑल ऑफ सडन, देखो जहां पे भी ऑल ऑफ सडन आ जाए, ऑल ऑफ सडन मतलब बिल्कुल सडनली,
इसका मतलब कुछ अचानक कुछ घटना घटित हुई है, इसलिए वो ऑल ऑफ सडन लगा रहा है। तो क्या हुआ उसके साथ, वो आगे बताना चाह रहा है। ऑल ऑफ सडन हिज वैगन, वैगन मतलब ये वाली गाड़ी, हिज वैगन गॉट स्टक। देखो आपको पहला वर्ड मिला है गॉट स्टक। देखो गॉट स्टक का मतलब होता है STUCK, गॉट स्टक का मतलब होता है फंस जाना। देखो जब भी हम कभी भी ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं तो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक जैम। यहां पे इन्होंने क्या किया है, हिज वैगन गॉट स्टक मतलब उनका जो वैगन है गाड़ी कहां हो गई, फंस गई। कहां पे, इन द मर्ड मतलब मिट्टी में, कीचड़ में या दलदल में उनकी गाड़ी फंस गई। मर्ड मतलब कीचड़ भी हो सकता है, दलदल भी हो सकता है, तो वो और मिट्टी भी, या गीली मिट्टी को भी हम कहते हैं। तो वहां पे उनकी गाड़ी फंस गई, जैसे आपने चित्र में देखा होगा, चित्र में देखो जरा यहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूं तो इनका टायर नीचे मड में फंसा हुआ है। तो गॉट स्टक इन द मड। आगे बात करते हैं ही ट्राइड हार्ड। अब मैंने बोला था सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखो यहाँ पे आया ही के साथ, ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड। यही दो तीन स्ट्रक्चर काम आते हैं पूरी कहानी में, और अगर आपने ये दो तीन स्ट्रक्चर जान ली तो आप अपनी पूरी स्टोरी बता सकते हो। तो ही ट्राइड हार्ड टू पुल इट आउट। देखो पुल इट आउट का मतलब होता है निकालना। तो ही ट्राइड हार्ड मतलब उसने बहुत कोशिश की क्या करने की, टू पुल इट आउट। देखो दूसरा सेंटेंस किससे जुड़ा है, टू से। मैंने क्या बोला, यहाँ पे कनेक्टर टू और दैट से जुड़ेगा, तो अब किससे जुड़ा है, टू से। तो ही ट्राइड हार्ड एक सेंटेंस कंप्लीट, उसने कोशिश की क्या करने की, टू। दूसरा सेंटेंस क्या है, पुल इट आउट सेवरल टाइम्स मतलब अपने इस ये जो फंसी हुई वैगन है उसको निकालने की, सेवरल टाइम्स का मतलब होता है बहुत बार। अब वोकैब पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सेवरल टाइम्स, तो उसने बहुत बार प्रयास किया अपनी वैगन को निकालने के लिए कहां से, कीचड़ से, दलदल से। बट अभी क्या बोल रहा है, बट द व्हील्स सैंक। अब देखो सिंक की सेकेंड फॉर्म, देखो वही सब्जेक्ट क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बट द व्हील सैंक मतलब जो इसका पहिए थे वो कहां पे डूबा हुआ था, सिंक मतलब सिंक मतलब डूबना, और सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक मतलब डूबा हुआ था कहां, सो डीप इन द मड मतलब बहुत नीचे चले गया था उसका पहिया कहां पे, कीचड़ में। दैट नो एफर्ट, अब देखो किससे जुड़ा है कनेक्टर, अब ये जो कहानी किससे जुड़ी है, दैट से। दैट देखो ये सेंटेंस खत्म हुआ, यहां पे दैट से जुड़ा, दूसरे सेंटेंस को जोड़ने। दैट नो एफर्ट ऑफ हिज हॉर्स कुड मूव दैट मतलब वो जो हॉर्स था, मतलब हॉर्स ने भी जो प्रयास किया वो भी इतना नहीं था कि वो उस वैगन को हिला भी पाए, मूव भी कर पाए। फाइनली, फाइनली मतलब लास्ट में, द डिसअपॉइंटमेंट मतलब क्या है, डिसअपॉइंटेड, सॉरी मैंने ये गलत पढ़ लिया, ये से पढ़ना था डिसअपॉइंटेड है, ये क्या है, डिसअपॉइंटेड। तो फाइनली द डिसअपॉइंटेड वैगनर, अब देखो डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, और क्या, वैगनर, वैगनर मतलब ये गाड़ी चालक। डिसअपॉइंटेड वैगनर थ्रू, थ्रू की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू डाउन, थ्रू डाउन हिज विप। अब थ्रू डाउन मतलब फेंक दिया, मतलब निराश से होके जो उसकी छड़ी थी, जो चाबुक जिससे घोड़ा चलता है, उसने ऐसे फेंक दिया, थ्रू डाउन हिज विप एंड हेल्पलेसली। हेल्पलेसली मतलब जब मुझे उम्मीद, जब मुझे ऐसी उम्मीद रहे कि अब यार कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा, अब ये काम हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए हम बोलेंगे हेल्पलेसली। तो उसने अपनी जो है थ्रू डाउन हिज विप मतलब अपनी छड़ी को फेंका, चाबुक को फेंका, एंड होपलेसली कॉल्ड मतलब बिल्कुल निराश होके उसने कॉल मतलब बुलाया, बोला मतलब हुंकार लगाई, किसे, अलाउड टू हरकुलस। मैंने आपको बताया था ना ये जो गॉड है इनका नाम है हरकुलस, तो वो चिल्लाया, लाउड का मतलब होता है थोड़ा सा तेज, और अलाउड का मतलब होता है चिल्लाना, तो क्या है, उसने चिल्लाया, कॉल्ड अलाउड हरकुलस, बोला हे राम, जैसे हम बोलते हैं हे राम, वैसे उसने क्या बोला, हे हरकुलस। तो क्या, हेल्पलेसली God allowed to Hercules, the Greek God. अब ये बता रहे Hercules कौन है, the Greek God. Greek God है Hercules. तो उन्होंने क्या बोला, ओ लॉर्ड, ग्रीक गॉड, ओ लॉर्ड, हे भगवान Hercules. ये चिल्लाए, प्लीज हेल्प मी, क्या चिल्लाए, प्लीज हेल्प मी टू कम आउट ऑफ दिस मैस मतलब इस मुसीबत से भगवान मुझे बाहर निकालो। कम आउट का मतलब है बाहर निकालना, मैस मतलब है इस मुसीबत जो मैंने कर दिया है, इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालना। हेयरिंग हिज रिक्वेस्ट मतलब भगवान ने भी सुना, हेयरिंग मतलब उसकी रिक्वेस्ट सुना भाई साहब,
और हरकुलस अपीयर्ड, वो हरकुलस सामने आ गए, भगवान जी सामने आ गए भाई जी हरकुलस। तो जैसे हरकुलस क्या है, सामने आ गए हरकुलस, तो अपीयर का मतलब होता है एकदम से आ जाना, कहीं पे भी एकदम से अपीयर हो जाना, आ जाने को हम बोलते हैं अपीयर। तो कह सकते हैं हियरिंग हिज रिक्वेस्ट हरकुलस अपीयर्ड बिफोर हिम, मतलब उसके सामने जो ग्रीक गॉड है हरकुलस वो आ गए। एंड सेड, और उन्होंने कहा, क्या कहा भगवान ने, डोंट गिव अप मैन, अरे अभी उम्मीद मत छोड़ो, डोंट गिव अप, गेट अप, उठ भाई, गेट अप एंड पुट योर शोल्डर्स टू द व्हील, मतलब उम्मीद मत छोड़, कोशिश कर भाई, अपना शोल्डर व्हील पे लगा, मतलब पहिए पे लगा, इसे कहते हैं व्हील, पहिए पे लगा। तो किसने कहा, भगवान ने कहा। और फिर भगवान ने इसके बाद एक और कहा, इफ यू वोंट लिफ्ट अ फिंगर टू हेल्प योर सेल्फ, मतलब अगर तुम अपनी हेल्प के लिए एक उंगली तक नहीं उठा सकते हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, तो मतलब आप एक्सपेक्ट मत करो हरकुलस से, मतलब मैं भगवान से, या तो और एनीवन एल्स, या किसी और से, टू कम टू योर एड, मतलब आपकी जरूरत पे वो मदद करेगा, आपकी मुसीबत पे वो आके मदद करेगा, ऐसी उम्मीद मत करो जब तुम खुद एक फिंगर तक नहीं हिला सकते अपनी मदद के लिए। तो ये कहा, और ये सुन के भगवान ने ये कहा और उसके सीने पे लग गई ये बात, ठीक दिल पे लग गई, हेयरिंग गॉड, मतलब भगवान को सुना, भगवान की ये बातें सुनी, द मैन, उस पे जोश आया और क्या बोला, द मैन पुट हिज शोल्डर, उस बंदे ने क्या किया, अपना शोल्डर कहां लगाया, टू द व्हील्स, मतलब पहियों पे लगाया। एंड ट्राइड हार्ड, ट्राई देखो, ट्राई के सेकंड फॉर्म मैंने बोला सब्जेक्ट क्या, सेकंड फॉर्म आएगी तो सेकंड फॉर्म आई, एंड ट्राइड हार्ड, और पूरी जान लगा दी, पूरी तैयारी कर ली, मतलब पूरी कोशिश कर दी उसने, ही ट्राइड हार्ड, पूरी जान लगाई, पूरी कोशिश की, क्या करने के लिए, टू पुल आउट, पुल आउट मतलब निकालना या निकलना, टू पुल आउट ऑफ द मड, मतलब इस मिट्टी से, इस कीचड़ से, जहां पे उसका पहिया ये धसा हुआ था, ये देखो जहां पे इसका पहिया धसा हुआ था, उसको पहिये से निकालने के लिए उसने पूरी कोशिश की, और इट वर्कड, मतलब और ये काम कर गया भाई साहब, इट वर्कड, काम कर गया, इट वर्कड। एंड द वैगन मूव्ड फर्दर, और इट वर्ड, और क्या हुआ, जो वैगन है, ये जो गाड़ी है, वो आगे बढ़ गई। और भाई साहब उसने फिर क्या किया, जब मुसीबत के टाइम पे जो आए थे उनका तो थैंक यू अदा करना ही था, और ही थैंक्ड द गॉड, मतलब उस बंदे ने, ये जो वैगनर है, उसने क्या किया, भगवान का शुक्रिया किया। एंड ड्रोव थ्रू, ड्राइव के सेकेंड पम्प, ड्रोव थ्रू मतलब गाड़ी को फिर वो चलाने लग गया और आगे चले गया। इसका मॉरल क्या जबरदस्त है, आपने बचपन में सुना भी होगा, मॉरल है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान सिर्फ उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। यहां तक आपने वीडियो देखी है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसी नई और स्टोरी हम आप तक लाते रहें, शेयर करते रहें, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अगली स्टोरी में हम आपसे मुलाकात करते हैं, तो तब तक ले, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।